वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद पापनी। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ओरियो लड्डू बनाना सिखाऊंगी। सो दैट गोना बी अमेजिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फन विद पापनी। एंड या गाइस, मेरे दूसरे चैनल ऑल टाइम फैक्ट्स एंड बेड टाइम स्टोरीज को भी सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, हमें इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सिर्फ 3 है। हमें सिर्फ इस डिश के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है ओरियो, चॉकलेट एंड मिल्क। तो यही है 3 मेन इंग्रेडिएंट्स। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, चॉकलेट लड्डू के लिए आपको ना ओरियो चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ओरियो की क्रीम अलग कर ली है। सो गाइस, यहाँ पर ये ओरियो है जिसकी क्रीम, ये एक ओरियो चॉकलेट वाले थे तो उसकी ये चॉकलेट क्रीम है। एंड यहाँ पर जो वनीला वाले ओरियो आते हैं उसकी क्रीम है, उनमें से एक चॉकलेट ओरियो भी आए थे तो उसकी क्रीम चॉकलेटी थी, इसलिए उसका एक अलग से मैंने डो बना लिया है। और यहाँ पर अलग से एक डो है। अब हमारे जो ये ओरियोज हैं इनको हमें ग्राइंड करना है और इनको पाउडर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा पाउडर बन गया है। तो अब इस पाउडर में हमें ना क्या करना है, कोल्ड मिल्क लेना है। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये कोल्ड मिल्क ले लिया है। आप चाहे तो गर्म दूध भी ले सकते हैं, हमें थोड़ा सा ही डालना है, ठीक है। और हमें इसका एक डो बना लेना है। सो अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम दूध डालेंगे, ठीक है। तो मैं इसको स्पून से डाल रही हूँ जिससे मुझसे ज़्यादा ना आ जाए, इसलिए आप चाहे तो ऐसे ही डाल सकते हैं क्योंकि डो बनाना है ना, इसलिए तो मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी और फिर इसको अपने हैंड से ही मैं मिक्स करूंगी अच्छे से, ठीक है। जैसे हमने ये वनीला और जो चॉकलेट वाली जो क्रीम थी उनका डो बनाया, वैसे ही सिंपली हमें इसका भी बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा और डाल देते हैं दूध हम। चलिए अब डो बनाते हैं। ये पाउडर थोड़ा ज़्यादा है इसलिए दूध भी थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा ही। तो चलिए, लेट मी प्रिपेयर डो। जब तक मैं डो प्रिपेयर करती हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर मैं दूध डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा दूध मत डालिएगा, ठीक है। पहले स्टिक होगा फिर बाद में सही हो जाएगा। देखिए डो बन चुका है, पहले ऑयल आ रहा है थोड़ा बहुत हाथ में, बट कोई बात नहीं, स्टिक भी नहीं हो रहा है। प्लेट ले लीजिए एक, अब जैसे मैंने लिया एक प्लेट, ठीक है। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ऑयल है। अब मैं इसके लड्डू प्रिपेयर करूँगी, तो आप देख सकते हैं गाइस, जब तक यहाँ पे लड्डू प्रिपेयर हो रहे हैं ना, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल फन विद पापनी को सब्सक्राइब करना, कमेंट में अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी ट्राई करिए, है ना। तो जल्दी से बताओ, ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि कैसी लगी, शेयर करना मत भूलना। आप लोग कितने भी ओरियो ले सकते हैं, वो बड़ा वाला नहीं आता, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। आप जितने ओरियो के लड्डू बनाना चाहो आप उतने बना सकते हो। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं लड्डू यहाँ पर प्रिपेयर कर ही रही हूँ। तो उसको ना अच्छे से आप अपनी फिंगर से ना बनाने के बाद उसको अच्छे से ना प्रेस कर देना, जैसे उसका अच्छा सा ना सर्कल वाला शेप आ जाए। सो गाइस, आप देख सकते हैं पहले ना मेरे लड्डू ना छोटे पड़ गए थे और मेरा डो भी बच गया था, तो मैंने उन लड्डू को थोड़ा बड़ा कर लिया और जैसे मेरा डो भी ख़त्म हो गया और मेरे लड्डू भी थोड़े से बड़े हो गए। सो गाइस, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, आप ना इस पूरे डो का एक बड़ा सा लड्डू बना सकते हो, फिर उसको हाफ कट कर लेना, फिर उसमें छोटा सा सर्कल करके उसमें चॉकलेट को मेल्ट करके उसमें फिल कर फिर वो जो हमने हाफ पार्ट काटा था ना उसको भी उसमें फिर अटैच करके उसको अच्छे से आप ना, है ना, उसको अच्छे से प्रेस कर लेना, फिर फ्रीज कर देना। फिर आप जब उसको फ्रीज़र से 2 आवर तक रख लेना, फिर 2 आवर के बाद जब निकालोगे ना, 2 घंटे के बाद जब निकाल के उसको कट करोगे ना, तो देखना उसके अंदर से ना चॉकलेट लावा की तरह निकलेगी, तो आपका ये चॉकलेट लावा लड्डू बन जाएगा, है ना। मैं इसका जल्दी एक ट्यूटोरियल भी लाऊंगी कि आप ये कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास अभी ओरियो भी रखा है, तो मैं जल्दी एक ट्यूटोरियल उस वीडियो का भी लाऊंगी। सो बी रेडी फॉर चॉकलेट लावा लड्डू, वीडियो कमिंग सून।
सो गाइस, जैसे मुझे कम्युनिटी पोस्ट मिल गया था, आप उस कम्युनिटी पोस्ट को अपने लाइक कर दिया करो। थैंक यू। सो गाइस, यहाँ पर मैंने दो चॉकलेट ले लिए हैं, डेरी मिल्क लिए हैं मैंने, तो हमें मैं इसको खोल लूँगी, फिर इसको एक बोल में रख लूँगी, फिर हमें इसको ग्रेट करना है। सो गाइस, मैं इसको अभी भी अच्छे से इसको ग्रेट कर रही हूँ, फिर है ना, अभी हमारे लास्ट चॉकलेट पीस था, अब ये भी ग्रेट हो गया, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे चॉकलेट स्प्रिंकल लग रहे हैं। सो गाइस, डेकोरेशन ना आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, तो जैसे आप वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ओरियो ले रहे हो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट या वनीला। जैसे मैंने चॉकलेट और वनीला लिए थे, तो मैंने वनीला और चॉकलेट की क्रीम से इसको अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो ये वनीला और चॉकलेट का डो तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आप देख सकते हो ये चॉकलेट स्प्रिंकल्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस, हमारे जो ये जो हमने लड्डू बनाया ना, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हमें इनको ना फ्रीज़र में ऑलमोस्ट 2 आवर के लिए रखना होगा, जिससे ये सेट हो जाए। हमें इनको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। हमें इनको ना ज़्यादा हार्ड करना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट करना है।
गाइस इसे 2 घंटे के लिए ना फ्रीजर में रख दीजिए। हमारे लड्डू फ्रीज हो रहे हैं जब तक मैं कुछ खा लेती हूँ। सो नेक्स्ट अगर आप ये डिश ट्राई करो ना तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये कैसी थी। और जब तक वो फ्रीज हो रही है आप भी यही खा लो कोई भी स्नैक। सो गाइस अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। आप इसे सिर्फ 2 घंटे के लिए रखिएगा फ्रीज़र में। ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे क्योंकि हमें इसे ज़्यादा हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही नहीं करना है। ठीक है आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। तो अब मैं आपको इसे अंदर से दिखा देती हूँ। सो यस अंदर से भी अच्छे होंगे चॉकलेटी। लाइक यू कैन सी अंदर से भी कितने चॉकलेटी हैं ये, है ना। बहुत टेस्टी लग रहे हैं दिखने में। हे गाइस सो गाइस ये अच्छे से फ्रीज हो गए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। लुक कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मेरे को भी बहुत अच्छे लगे। सो गाइस एक्चुअली मेरे साथ एक चीज़ हुई। मैंने ये फ्रीज़र में रखे फिर मैंने अपना डिनर करा और सडनली मैं भूल गई, मतलब मैं भूल गई कि मैंने ये ओरियो लड्डू फ्रिज में रखे हैं, फ्रीजर में रखे हैं। देन जब मैं अपनी थंबनेल्स बना रही थी, कुछ वीडियोस जो मैंने बना रखी हैं ऑलरेडी उनके मैं थंबनेल्स बना रही थी, एंड देन आई सी दिस वीडियो एंड देन आई रिमेंबर दैट हाँ मैंने फ्रीज़र में ये ओरियो लड्डू रखे हैं। देन फिर अच्छे से तब तक फ्रीज नहीं हुए थे तो मैंने कहा चलो और रख देते हैं एंड कम से कम 2 आवर्स तक फ्रिज में रहे। तो आप लोग भी ऐसे ही 2 आवर्स फ्रीजर में रखे ना, बट हाँ आप लोग मत भूलना। ओके सो मुझे ना ये बीच वाला लड्डू बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने क्या करा था, बस ओरियो जो था वो जो उसका डो बनाया था है ना उसको लड्डू का शेप देके बस मैंने उस पर जो चॉकलेट थी ना उसको स्प्रिंकल कर दिया था, तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा। तो मुझे यही खाना है पहली बात। तो मैं इसको पहले बीच से थोड़ा सा काट कर आपको अंदर से दिखा देती हूँ। सो आई हैव कट इट। लुक वाओ इट्स वेरी टेस्टी। अंदर से भी कितना अच्छा है ना। मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ है ना, अगर आप सिंपल ओरियो लड्डू बना रहे हो उसको डिज़ाइन डेकोरेट कुछ नहीं करना ना, तो इसके अंदर ना आप चॉकलेट है ना उसको मेल्ट करके डाल सकते हो। मतलब वो कैसे डालना है मैं आपको वो बता देती हूँ। आप तो चॉकलेट लड्डू बना लो, ठीक है, ओरियो का लड्डू बना लो, देन उसको बीच में से कट कर कर उसमें एक साइड पर ना थोड़ा सा होल कर लो, ऐसे थोड़ा सा होल करके आप उसमें चॉकलेट फिल करके फिर बंद कर दो और फिर अच्छे से अपने हैंड से उसको प्रेस करने के बाद आप उसको फ्रीज़र में फ्रीज कर दो। देन उसका जो आप जब उसको कट करोगे बीच में से देन जब आप उसको ओपन करोगे तो देखना कि जो चॉकलेट है वो कैसे लावा की तरह बाहर आएगी। बहुत टेस्टी लगता है। मैंने ये ट्राई नहीं करा पर मैंने बहुत बार ऐसा देखा है ना। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। अगर हुआ तो मैं ये वाली वीडियो ज़रूर लाऊंगी। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं इस चीज़ का ट्यूटोरियल सिखाऊंगी आपको। तो या तो वो मैं वीडियो कभी भी ले आऊँगी क्योंकि मेरे पास ओरियो अभी भी है। सो यस मैं वो वीडियो लाऊंगी, ज़रूर लाऊंगी, और अंदर चॉकलेट की फिलिंग करूँगी। ओके सो नाउ लेट्स ईट इट। मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। इट्स वेरी टेस्टी। वन थिंग आई सेम, हमने इसमें शुगर वगैरह कुछ नहीं डाली है। और हाँ वैसे भी ओरियो में ऑलरेडी शुगर होती है। बहुत टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट भी जो है बहुत अच्छी लग रही है। इट्स वेरी टेस्टी। कोई पूरा खाना है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो ऊपर हमने ओरियो के अंदर जो क्रीम आती है ना जो हमने उसको भी इससे भी डेकोरेट करा है, मैं वो भी ट्राई करने वाली हूँ। बहुत टेस्टी है। ठीक है वैसे तो सारे अच्छे हैं एंड चॉकलेट भी। आई एंजॉयड इट अ लॉट। सो आई होप आपको भी पसंद आई हो ये वीडियो। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। सो आई होप आपको भी वीडियो पसंद आई हो। एंड या अगर पसंद आई है ना तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरी चैनल फनवित पापड़ी को सब्सक्राइब करना। एंड यस गाइस सेलिब्रेशन ब्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाला है। मतलब अब तो सेलिब्रेशन ब्लॉग का मैंने थंबनेल भी बना लिया और मैं सेलिब्रेशन के एक रेस्टोरेंट भी गई थी तो उसका मैंने पूरा एक अच्छा सा ब्लॉग बनाया, तो वो कल अपलोड हो जाएगा। यस एंड या गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं आपको चॉकलेट लड्डू बनाना सिखाने वाली हूँ बहुत जल्दी ओरियो बिस्किट के साथ ही।
ठीक है, ओरियो बिस्किट का यूज़ करने वाली हूँ, है ना। तो मैं ज़रूर वो बनाऊँगी, जिससे अगर आपको मेरा जो मैंने अभी बोला है अगर आपको समझ ना आया हो तो इससे आपको एक ट्यूटोरियल मिल जाए, जिससे आप वो वाला लड्डू भी ट्राई करें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। हाँ, ये ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी होता है। ज़रूरी नहीं है आप 2-3 पैकेट लो ओरियो के, आप 1-2 पैकेट भी ले सकते हो ओरियो के, एंड यू कैन मेक इट। एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि कैसा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। आई होप आपको भी पसंद आया। थैंक यू सो मच। Thank you.